तो घर आते ही मम्मी पूरा घर देखने लगी कि मैंने घर का क्या हालत किया है। और मैं मम्मी को आके हग भी नहीं कर सकती क्योंकि कटल, मैं मम्मी को कटल दिखा रही थी। इतने दिन बाद मम्मी आई ऊपर और इतने दिन बाद अभी नहीं जाने दूंगी मैं अभी मम्मी के साथ जाऊंगी, अभी मैं नहीं जाऊंगी। और ये देखो, ये कटल निकल गया। और इतने दिनों बाद हरियाली देखने की मिली है कि नहीं। दिल्ली में हरियाली थी कहीं भी? इतने दिन से घर में बंद कि सबसे अच्छा तो मेरे को यहाँ का लगता है। देखो हर जगह हरियाली हरियाली, इसलिए आसाम के लोगों का आग अच्छा रहता है। आसाम तो है ही है हरियाली के लिए। हाँ, नंदते गाँव में आ गया, कैसी है? तब तक मैं और मम्मी बहुत दिन से बातें नहीं किए ना, तो मैं और मम्मी बात करते हैं और मम्मी का भी ये आसाम का हवा खिलाती हूँ। ये मम्मी ऐसे ऐसे चल के आ रही है, पक्का मम्मी मेरे लिए कुछ लाई तभी ऐसे आ रही है, वरना मम्मी ऐसे नॉर्मली क्या है जल्दी तो बताओ। मैं कुछ लेके आई हूँ अंकिता, तो मैं तो कुछ भी लेके नहीं आई। मैं पता है दिल्ली से ये रास्ते में खाने के लिए जो पुलाव लेके आए थे, तो मैंने रास्ते में बोल दिया था वो खाना नहीं, मेरे को थोड़ा सा लेके आना, तो मैं यहाँ पे लाके फिर मैं घर पे खाई। मेरे को इतना पसंद है पुलाव। तेरे लिए मैं कुछ नहीं लाई। अरे तो हो नहीं सकता, मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं लाए। गेस करने दो मुझे, वेट। खाने का चीज हो सकता है क्योंकि नानी को पता है मुझे खाना बहुत पसंद है। नहीं, वो चीज मेरे को दिया है ना, तो जो मेरे को दिया है वो तेरे को दिया। जो मम्मी को मिला है वो मुझे क्यों देगी? मतलब नानी ने तुमको, नानी ने आपको दिया था ना? आयुष, ये आयुष आ गया। चुप, गेस कर जल्दी जल्दी। एक मिनट, नानी ने दिया है, आने के टाइम दिया था, तुझे घर से निकल रही थी, खोइचा पैसे दे। पैसे दो भाई, ये हमारे में रिवाज होता है, जब भी लड़की घर से जाती है तो मम्मी घर से या कोई भी हो पैसे आंचल में पैसे भर के देते हैं। रोहित, रोहित नहीं, मैं लूंगी। बाद में लड़के ले लेते हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो लगा 100 रुपीस मिलेगी, नहीं तो कुछ ज्यादा ही है। ये लो, ये नीचे, ये सब्जी बना देना, ये मुझे कितने मिले नानी ने प्यार से दिए हैं। क्या करते हैं वैसे, इसका क्या सब्जी उब्जी में डाल देंगे, ये दाल में तड़का लगा देंगे, बस यही है। सही है, नानी बहुत प्यार से दिया। नानी बहुत रो रही थी अंकिता, बहुत मिस कर रही हूँ नानी को। नानी अगर कोई नहीं, मम्मी जल्दी तो मिस कर रही हूँ। सब कुछ सप्ताह मेरे को अभी लगेगा उन यादों से बाहर आने के लिए। चलिए फिर देखते हैं आज का खाना क्या क्या बनाए। नहा ली हूँ, नहा कर फिर कपड़ा कैसे धो के डाल दूँ, नीचे बनाई दी अंकिता खाना ना अंकिता। तो मैं मम्मी के लिए ये देखो सब्जी, अचार, रोटी और चावल बनाई। मम्मी आज पहली बार मेरे को बनाए हुआ हक का खा रही है, इतने अच्छे से, मतलब पूरा पूरा हर चीज़ मैंने बनाया ना, इसीलिए बहुत अच्छा खाना बनाई है। ये पनीर के सब्जी, ये आम का अचार तू लगाई थी क्या? मेरे नहीं रहने? नहीं, पापा ने लगाया था। अंकिता आ जा। हाँ ठीक है, चल मैं और मम्मी खा लेते हैं। बारिश का मौसम हो रखा है, आज हम बहुत दिनों से सोच रहे थे वाईफाई कनेक्शन लगाने का, पर हमारे इस जगह पे वाईफाई कनेक्शन था ही नहीं। बहुत सालों बाद जाके हमारे इस एरिया में वाईफाई कनेक्शन आया है, तो हमने बुलाया इनको लगाने के लिए। पहले लो क्वालिटी में वीडियो अपलोड होता था, अभी हाई क्वालिटी में हम करेंगे। मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा नेट नहीं हो पाता था और फ़ोन के नेट से ही हम अपलोड करते थे, आपको पता है ना फ़ोन के नेट से कितना अपलोड हो पाता है। तो यहाँ भैया आ गए और सारा सामान लगा रहे हैं अभी देख। और पापा भी गुस्सा कर रहे हैं कि ये तार को पापा बोल रहे हैं कि वायरिंग ऐसा करो जो घर पे दिखे। ये रहा रोहित, और यहाँ देखो क्या काम चल रहा है। ये क्या बन रहा है रोहित? गर्मी में मास्क, बहुत गर्मी लगता है सच में। और ये देखो मम्मी आ रही। मम्मी भी खुश है अभी, बाय बाय लग रहा है। वीडियो ही जल्दी अपलोड नहीं होता था, इसीलिए हम लोग वाईफाई लगा रहे हैं, जल्दी अपलोड। वैसे मम्मी का मैं खुलासा करने वाली, देखते रहना क्या खुलासा करने वाली। क्या खुलासा? एक खुलासा करने वाली इस वीडियो में मम्मी के बारे में। अच्छा, देखते हैं क्या खुलासा करने वाली। फिर पति दिमाग आते आते चलने लगता है क्या आपको? सॉरी, किचन का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे मैंने अपने सारे मेकअप का सामान रखा था, पर आयुष कितना अच्छा बच्चा है, देखो मेरे सारे मेकअप के सामान को इसके अंदर भर दिया। थैंक यू आयुष।
आयुष थैंक यू, इसने कितना अच्छा काम किया है। तो यहाँ ये भैया लोग अपना काम कर रहे हैं, इन्होंने अच्छे से प्रिकॉशंस वगैरह लिया था, इन्होंने मास्क वगैरह पहना था। इनके जाने के बाद हमने ये पूरे जगह को भी सैनिटाइज किया था, तो आप भी अपना ध्यान रखिए। गाइस मैं ऊपर आया था, यहाँ पे मम्मी कंघी कर रही है, ये दोनों निब्बा निब्बी क्या कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं इंस्टा में। ये लड़की का ना, ये लड़की का कोई काम नहीं है, बना रहे हैं ना, जो मम्मी भी बनाएगी ना रील्स वो तो मैं बनाऊंगी। तो ये सब अभी क्या ऐसे नाच रही थी, अब मेरे को नाच के दिखा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ पे अभी रील्स बना रही थी, ये आयुष है, इसको परेशान करने को आया, इसने क्या किया, इसने एक लात मार के उड़ा दिया इसे। चल मैं इसको मार के दिखाऊंगी, ठीक है। ये वाला हाँ, ये देखो ये ऐसे ही करती है मम्मी के साथ, और ऐसे ही रील्स यहाँ पे इंस्टाग्राम में रील्स बनाते रहती है। हाँ ये देख, ये पहले से उठा ले, हाई लो कर लो, और बता किक बता, इसका साइड किक था। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ ये ऐसे, हाँ ऐसे, अच्छा ले 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 अच्छा, अरे अरे बस 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 बस, अब तुम लोग ना जानबूझ के लड़ा मत करो, सॉरी बोलो दोनों एक दूसरे को, सॉरी बोलो बच्चों। ए मैं इधर ही हूँ, ये फोन में बात कर रहे हैं, हम बहुत थक गए, अब हम जा रहे हैं नीचे। मैं आयुष, ये देख क्या तू, कौन ले जाएगा इसका, ये कंघी भी लेके आ, इसको लेके आओ, क्या पता ये कंघी भी सा लेके आओ, लेके आओ नीचे। मैं आपको वाईफाई दिखा देती हूँ, ये पापा ने, मैंने बोला था ना तार नीचे से, पापा बोल रहे थे, पापा ने देखो क्या किया, हाँ देखो पापा ने क्या किया, ये नहीं ये टेबल पे रख रहे थे ना, अच्छा वो लोग ये टेबल पे रख रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना दिमाग लगाया, बोले नहीं ऊपर कर दो, क्योंकि आयुष एक बार मशीन का पता नहीं क्या, अरे हाँ आयुष ने क्या किया था, आप लोगों को मशीन का याद है ना, जिसको याद है कमेंट करके बताओ। हाँ। ये देखो तार कैसे गया है, ये देखो तार कैसे गया है, ये क्या है आयुष, देखो ये मैंने कहाँ का निकाल लिया, बहुत ही आराम राहत मिल रही है वाईफाई से वीडियो अपलोड करने के लिए हम लोगों को। हाँ यार आप लोग भी वाईफाई लगा दो जहाँ पे नेट प्रॉब्लम होता है, बहुत अच्छा है वाईफाई। चलो और दिखाते हैं क्या चल रहा है घर पे, आती हूँ। पापा एक बेड बनवा रहे हैं, और पापा बोल रहे हैं ये डिजाइन बनेगा, मम्मी बोल रही है ये डिजाइन बनेगा, तो दोनों में लड़ाई हो रही है। इस पलंग को उठाने में अकेले तो ये हिलेगा भी नहीं, कम से कम 5-6 लोग चाहिए तभी जाके ये पलंग इधर से उधर खिसकेगा, और बहुत ही भारी भारी बना, दिखा देना कैसा बना रहे। पापा बोल रहे हमारे आने वाली पुश्तें भी उसमें सोएगी। हाँ आयुष चलो उठो लग जाएगी, ये अंकल कर रहे ना लग जाएगी, चलो आयुष चलो। तू ये बता और आपको भी बताइए ये पलंग कैसा, ये मतलब ना ये सीधा यहाँ पे अलमारी बन रहा है, और इसके ऊपर होगा कुछ मतलब, देखो कैसा मुंह बनाते रहते, देखो नहीं वापस वापस नहीं, तो हम इस वीडियो को इधर ही एंड कर देते हैं। तो मेरे को क्या बोलना है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज तो मैं भूल ही गई, मम्मी का खुलासा करना था। रोहित पकड़ पकड़ पकड़, रोहित पहले से बहुत पतले हो गए, कहां वैसा पतला हो गया, वहां पे जाके नानी के घर में बताऊं, रात भर उठता था, इसीलिए रात भर अपने दोस्तों के साथ मिलता था ना, तेरे दोस्त भी बोल रहे हैं। अपने हस्बैंड को इतना मिस किया मुझे कैसे पता चला बताऊ। हाँ बता, मम्मी ने ना पापा का नाम अपने फोन में पति परमेश्वर करके सेव किया है। अरे मैंने कहा पति परमेश्वर, किसने वो सेव किया था पता नहीं, तू देखो देखो कैसी बदल गई, दिखाओ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, ठीक है
मैंने नहीं किया था मिस, रोहित का काम होगा जरूर। अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि उसी फोन से वीडियो हो रहा है, वरना अभी मैं दिखाती हूँ। मैंने तो किया नहीं था, ये रोहित मम्मी ने किया था, मैंने मेरे आंखों के सामने। मैंने नहीं किया था, हट, मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था भाई। मम्मी ने तो देखा मम्मी के बारे में। तो चलो हम इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। खुलासा कैसा लगा आप जरूर बताना, और इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। यार आप सच बता रहे हो, आप लोग वीडियो देखते हो, अब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर, मतलब आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, एक इंसान का एटलीस्ट 10 तो अच्छे फ्रेंड्स होंगे ना, 5 तेरे कितने हैं किदा, वो भी सबको पता, तेरे कितने फ्रेंड हैं। यार मेरे तो बहुत कुछ ज्यादा, कुछ हद से ज्यादा दोस्त है, क्या करूं। पहले तो थी मेरी एक सहेली, लेकिन अब मेरे 20,000 दोस्त है, सहेली है, बहन है, भाई है, सब है, मेरे 20,000 बन चुके हैं। इसका मुझे बहुत ही खुशी है, अभी सारे होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, अभी बनने वाले हैं। मेरा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है ना सच में, और इस फैमिली को और बड़ा कर दो और बाय।